हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ हमारे कट रहे हैं फ्रूट्स। तो फ्रूट्स काटने के बाद मैं आ गई थी बेड सही करने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम कहीं जा रहे हैं, तो मॉर्निंग से उठे हुए हैं और फिर भी लेट हो गए आज, और एक्सरसाइज वगैरह मेरी सब हो गई है। तो मैंने कहा क्या शेयर करूँ, रोज़ तो मैं शेयर करती हूँ, तो थोड़ा जल्दी में भी था तो फ्रूट्स मेरे कट हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो फ्रूट्स खा के ही जाऊंगी। तो कहीं भी अगर आप जाते हैं बाहर तो कुछ ना कुछ खा के ज़रूर जाइए, और अगर खाली पेट हैं तो आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो फ्रूट्स ज़रूर खा के जाइए। तो गाइस, ये देखिए मेरे फ्रूट्स कट हो चुके हैं और बाबू को भी मैंने खिला दिया है, बस उसको रेडी करना बाकी है, तो मैं फ्रूट्स खाऊंगी। तो गाइस, बाहर जाके भी 32 की जर्नी को कैसे हम फॉलो करते हैं और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो देखो, बाहर तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जाना ही पड़ता है, और अपनी ये जर्नी को भी हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें, ताकि हमारा वज़न ना बढ़े, इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम ओवर ईटिंग करने लग जाएंगे, हम 32 का फॉर्मूला को छोड़ देंगे, उस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे और एक्स्ट्रा खाने लग जाएंगे, ओवर ईटिंग करने लग जाएंगे, तो वज़न हमारा बढ़ेगा और हमारी मेहनत होगी बेकार। तो कहीं भी जाते रहते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो अपनी इस जर्नी को बरकरार रखिए। मैं घूमी घूमी जा रहा हूँ। बोलो, मैं घूमी घूमी जा रहा हूँ। बोलो यो ब्रो, यो ब्रो। यो ब्रो, यो लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। देखिए गाइज, यहाँ हम खा रहे हैं फ्रूट्स, और फ्रूट्स खाने के बाद हम निकल गए थे अपने घर के लिए। तो गाइज, हमें रास्ते में अभी गाइज, तो देखिए गाइज, हम आ गए हैं घर और हम आए हैं अपने मायके में। तो आज मायके में ही इंजॉय करने वाले हैं, और ये है हमारी आरू जो बहुत अच्छा डांस करती है ना। आरू शुरू हो गई, बोलने की देरी नहीं हो गई, शुरू। आज हमारे यहाँ बाजार भी लगता है, तो आज मैं बाजार भी जाने वाली हूँ। तो छोटे मोटे कुछ काम करने थे, मैंने कहा चलो यहाँ आ गए हैं, कर लेंगे। और अब हमारे खाने का भी टाइम हो गया है, तो 2:30 बज गए हैं गाइस, तो खाने का भी टाइम हो गया है। तो आज हमारे लंच में क्या है तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए गाइस, ये है आज की थाली में है हमारी 2 मक्की की रोटी और बीन्स की सब्जी और दाल और थोड़ा सा मिर्च का अचार लिया है। तो गाइस, आज यही हम लंच करने वाले हैं, हेल्दी हेल्दी। तो देखिए गाइस, यहाँ हम 32 का फॉर्मूला यूज़ करते हुए आराम आराम से लंच करेंगे, और बच्चे खेल रहे हैं। और ये देखिए आरू ने क्या किया है, ये सब मैंने वीडियो में देखा, तब मुझे पता लगा इसकी शैतानी। तो गाइस, खाना खाने के आधे घंटे बाद हम पी रहे हैं जूस। तो देखिए गाइस, यहाँ जूस पियेंगे। क्या पागल हो गई कि पागल हो गई? बड़े बड़े अंकल बेच रहे थे, चल गया इसका दिमाग, मेरा भी चलने वाला है थोड़ी देर में। अच्छे डांस करके दिखा, मतलब शुरुआत हो चुकी, शुरुआत हो गई थी, उसमें क्या एनर्जी आ गई। तो ये जूस सबको पीना चाहिए, इससे एनर्जी आती है और लोग पागल हो जाते हैं, भीगे पागल नहीं होते, एनर्जी आती है। कह रही है पागल नहीं होते। यूवी ने पिया था सुबह, तो ज्यादा पागल हो गई है। देखो नाच के दिखाएगी, यूवी नाच के दिखाओ। ये है काओ, और इस पे बैठ के जाएंगे यूवी और आरू। यूवी आरू से बैठ के जाएंगी मंगल बाजार तक। ये इनकी सवारी है, और यूवी 32 का फॉर्मूला करके अब पतली होएगी, है ना यूवी? यूवी 32 का फॉर्मूला के पतली होएगी नहीं। क्योंकि इसको खाने का बहुत शौक है। तो देखिए गाइस, अब हम आ गए हैं मार्केट में, और यहाँ देखिए टॉय की शॉप दिखी हमें, तो हमें अपने बाबू के लिए कुछ लेना था सामान, तो हमने लिया। और ये देखिए प्यारे प्यारे थे एयरिंग, ज्वेलरी शॉप भी थी यहाँ पे। हेलो गाइस, तो अब है शाम का टाइम, और बाजार से तो हम आ गए थे, तो हम 4 बजे बाजार गए थे, फिर वहाँ से घूम घाम के आ गए, और ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि आपको तो पता है मायके में तो बस बिजी हो जाते हैं। और बहुत दिन बाद मैं अपने मायके आई हूँ, बच्चे तो अभी नीचे खेलने गए हैं, और अभी 6 बज रहे हैं और हमें जाना है पार्क, तो अभी पार्क जाएंगे। और मंगल बाजार, मतलब जो मैं बाजार गई थी, हमारे यहाँ मंगल बाजार लगता है, तो मैं बाजार गई थी, तो वहाँ से थोड़ा सा कुछ सामान लेके आई हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखा। तो गाइस, अपने घर तो पार्क में जा नहीं पाते क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, और कुछ प्रॉब्लम भी है कि जो हम घर से नहीं निकल पाते, तो इसलिए मैंने कहा चलो यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पास में पार्क है, तो वॉक करके आऊँगी अपनी शाम की,
और देखते हैं उसके बाद क्या करते हैं। और घर भी जाना है जल्दी, तो 8 बजे घर भी निकल जाऊंगी, खाना पीना खा के 7-8 बजे घर निकल जाऊंगी। तो चलिए गाइस, मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ। देखिए गाइस, हम बाबू के लिए क्या लेके आए हैं। तो गाइस, बाबू के लिए हम लाए हैं ABCD। आजकल वो ABCD कुछ ज़्यादा ही पढ़ने लग गया है। और अपने लिए लाए थे 2 बिंदी के पत्ते, और ये देखिए उसके लिए स्लेट भी लेके आए थे। तो गाइस, यही सब सामान लेके आए थे हम बाबू। हेलो कर दो रियांशु, हाय। देखो रियांशु हाय करता है, कैसे हेलो करो, हाय हाय हेलो हेलो। तो चलिए गाइस, चलते हैं पार्क में, तो बच्चों में लगे रहेंगे और टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो हम भी जाएंगे, और ये हमारे साथ, अब हमारे साथ आरू भी पार्क में जाया करेगी वॉक करने के लिए रोज। ठीक, तो देखिए गाइज, यहाँ हमारी हो रही है वॉक। और गाइज, हम 2 महीने बाद अपने मायके आए हैं। और गाइज, यहाँ आके मतलब जो लोग हमें बोलते थे कितनी मोटी हो गई हो और क्या क्या खाती हो, इतना वज़न बढ़ा लिया है, तो गाइज आज वही लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि इतना पतली कैसे हो गई हो, हमें भी बताओ भाई, हमें भी पतला होना है। तो गाइज, जो लोग पीठ पीछे बुराई करते थे और मोटी मोटी बोलते थे, गाइज आज वही लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि क्या खा रही हो। तो गाइज, बहुत अच्छा लगता है ये सब सुन के। और गाइज देखिए, अब हम आ गए हैं घर और हमारा हो रहा है गर्म पानी। तो गाइज, एक कमेंट्स आया था हमारे पास कि कितना पानी पीना चाहिए पूरे दिन में। तो गाइज, हमें पूरे दिन में 2 या 3 लीटर पानी पीना चाहिए, उससे ज़्यादा पानी हमें नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो गाइज देखिए, उसके बाद हम पार्क से आने के बाद हम खाएंगे फ्रूट्स। तो गाइज, शाम तो हो ही गई थी, तो ये दलिया बनाया था थोड़ा सा, और ये लिए हमने थोड़े से अंगूर। तो गाइज, अब हो गई है शाम के 8। तो गाइज, अब बज गए हैं शाम के 8 और अब हमें जाना है घर। तो खाना पीना तो सब कुछ हमारा हो गया है और अब घर जा रहे हैं। तो जितना भी इंजॉय करना था वो हमने कर लिया आज मायके में। और जो भी हमने फार्मूला यूज़ किया था यहाँ पे भी, हमने अपने 32 बार के फार्मूले को अच्छे से यूज़ किया। और तो ये तो अपना ही घर है, तो इस यहाँ पे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई, जो मांगा वैसे मिल गया और जूस वगैरह भी मिल गया आज। तो वैसे तो मैं अपने लिए घर पे नहीं निकाल पाती हूँ, पर यह है कि मैंने यहाँ पे आके भी अपनी डाइट को फॉलो रखा है। आप कहीं पे भी जाते हैं तो आप अपनी डाइट को ध्यान में रखते हुए और कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए जो आप डाइट में फॉलो कर रहे हैं वो ज़रूर यूज़ करिए। तो गाइज, बस अब चलते हैं घर, घर जाने का समय हो गया हमारा। बाय बाय, डांस करके दिखा दो। तो गाइज, अब हम आ गए हैं घर और रात के बज गए 9। तो गाइज, आते आते भी लेट हो गया, तो 9 बज गए हैं। वहाँ से कुछ फ्रूट्स वगैरह भी मुझे लाने थे अपने लिए, तो मैं वो फ्रूट्स वगैरह भी अपने लिए लेके आई हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लाई हूँ, मतलब अपनी डाइटिंग का पूरा ध्यान रखना है। जैसे ही फ्रूट्स ख़त्म हो जाते हैं वैसे ही लेके आने होते हैं, तो क्योंकि सुबह सुबह मैं फ्रूट्स ही खाती हूँ और सबको फ्रूट्स ही खाने चाहिए, जो भी आपके पास है, जैसे भी फ्रूट्स है आप वही खाइए। तो देखिए गाइस, ये हम लाए हैं फ्रूट्स। तो गाइस, ये हम लाए हैं अंगूर, और ये लाए हैं अमरूद, और लाए हैं संतरे, और ये लाए 1 किलो सेब। तो गाइस, इतने ही फ्रूट लाई हूँ, क्योंकि कम ही लाई हूँ, क्योंकि मैं ही अकेली खाने वाली हूँ और मेरे हस्बैंड जी तो नहीं खाते, क्योंकि सुबह ऑफिस चले जाते हैं जल्दी जल्दी में, शाम को फिर लेट आते हैं तो फिर नहीं खा पाते। तो मैं अपने लिए हिसाब से ही लेके आती हूँ, और मैंने अपने लिए बना लिया है दूध हल्दी वाला। ये देखिए गाइस, मेरा हल्दी वाला दूध भी रेडी है जो मुझे अब पीना है। दिन में मैंने मक्की की रोटी खाई थी, तो अब नाइट में कुछ हल्का ही खाने का सोचा था, तो शाम को दलिया ले लिया था थोड़ा सा, और ग्रेप्स खा लिए थे, और अब मैं ले रही हूँ दूध हल्दी वाला, जो बहुत है ज़रूरी। तो बहुत सी बाहर की चीज़ें खाने का, जब मैं जाती थी तो बहुत की बाहर की चीज़ें खाती थी कि ये लाना है वो लाना है, बट आज मैंने कुछ बाहर का नहीं खाया। नहीं तो मैं हमेशा अपने मायके जाती थी तो कुछ ना कुछ बाहर से ज़रूर मंगाती थी, बट मैंने बाहर का अवॉइड इतना कर दिया कि मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया, आज पहली बार ऐसा हुआ है। तो गाइस, बाहर का हमें नहीं खाना चाहिए, जो 32 की जर्नी पे हैं वो भी, जो नहीं है वो भी, जितना हो सके बाहर का हमें अवॉइड ही करना चाहिए। तो चलिए गाइस, अब करते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।